इंडियन फुटबॉल के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आज? इंडियन फुटबॉल में नेशनल टीम की रैंक आई थिंक 160 प्लस है और हम फीफा वर्ल्ड कप 2018 के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। लास्ट ईयर हम गुआम से हार गए। गुआम इज़ अ वेरी टाइनी आइलैंड नेशन, उसका पॉपुलेशन हमसे 1/10 भी नहीं होगा। सो एग्जैक्टली इस सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? अभी बेसिक प्रॉब्लम ये है कि यूथ डेवलपमेंट का कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है हमारी कंट्री में। अभी अगर आप फुटबॉल कोचिंग की बात करें तो इंडियन प्लेयर्स एक कोच से मिलते हैं एट द एज ऑफ 13 और 14, वेर एज यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ फुटबॉल बहुत अच्छे लेवल पर खेला जाता है, चिल्ड्रन स्टार्ट देयर कोचिंग फ्रॉम द एजेस ऑफ 4 और 5 और एटलीस्ट 7 और 8। सो दैट इज़ वन थिंग दैट नीड्स टू बी लुक्ड एट। एंड राइट नाउ द ISL दैट हैज़ कम इन is trying to improve it. They have set up some sort of academies. For example, Mumbai City FC is setting up their grassroots football academy in Navi Mumbai. Atletico Kolkata, jo Kolkata ki team hai, they have done some trials, held their trials in Kolkata and selected youngsters. Pune FC has some local scouting team which they have set up, which was not there before. So ISL is improving that. Also, there is a issue of marketing Indian football. अगर आपको पता होगा तो आई लीग एक पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट इंडिया में 2005 से चल रहा है, बट उसका ट्रॉफी आज तक किसी ने देखा नहीं है। वेरस ISL और जो लेट्स फुटबॉल स्लोगन और नीता अम्बानी को सब जानते हैं। सो इंडियन फुटबॉल की मार्केटिंग और प्रमोशन आज तक नहीं हुई थी जो ISL ने फिर शुरू किया है। दी अनदर इशू दैट हैज हैपेंड इज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इन 2011 लायनल मेसी केम टू इंडिया एंड उन्होंने फ्रेंडली मैच खेला था अर्जेंटीना वर्सेस वेनेजुएला। मैच हैड टू बी स्टॉप्ड आफ्टर द फर्स्ट हाफ बिकॉज मेसी कंप्लेंड ऑफ फीलिंग हीट फ्रॉम द पिच। व्हाट हैड हैपेंड वाज दैट एस्ट्रो टर्फ वाज लेड ऑन द पिच व्हिच वाज डन बिकॉज ऑफ पुअर कंडीशंस ऑफ नेचुरल ग्रास। तो एस्ट्रो टर्फ इज नॉट अ फीफा एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। तो एक तो हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है। सेकेंडली देर आर नो प्रॉपर चेंजिंग रूम्स और ड्रेसिंग रूम्स इन एनी ऑफ द स्टेडियम्स। नेक्स्ट ईयर वी ऑल्सो हैव फीफा U17 वर्ल्ड कप विच इज बीइंग हेल्ड इन इंडिया विच वी हैव वन द राइट्स फॉर। सो होपफुली दैट विल लीड टू सम डेवलपमेंट। सो इन शॉर्ट द बेसिक इशूज़ आर लैक ऑफ प्रॉपर यूथ स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द विल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रमोट द स्पोर्ट, विच आई डो नॉट सी राइट नाउ।